देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उस पर थोड़ा अमन संशोधन किया गया है उसमें, और उसमें 1987 में पहले अमेंडमेंट आया था और उसके बाद 2003 में उसका अमेंडमेंट आया था, और अभी अभी तक जो है उसमें कोई रिलीजन का या किसी तरीके का उसका जिक्र नहीं है। पर अभी जो 2019 का जो अमेंडमेंट आया है उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली एक रिलीजन को एक्सक्लूड किया गया है। तीन ऐसे देशों को चुना है जो इस्लामिक मेजोरिटी देश हैं, और बहुत उस एविडेंट है उस बात से कि वहाँ की माइनॉरिटी क्योंकि मुसलमान नहीं हो सकते इसलिए मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करने को, उसके अलावा और कोई लॉजिक उसमें नहीं लगा। तो पहली बात, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, ये हमारी सेकुलर प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, और जिस बेसिस पे हमारे देश बने थे वो उसके खिलाफ है, और सिटीजनशिप की जो कंसेप्ट है उसी के ही खिलाफ है। तो इसलिए इस बात पे, मतलब मैं भी हर जगह जाके बात कर रहा हूँ, इस बात पे लड़ रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली इट्स अ फाइट फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज। अब NRC जो है वो एक एक्सरसाइज है, सिटीजन है या नहीं, कौन सिटीजन है कौन नहीं है इसको ढूंढने के लिए। अब जिस तरीके से आसाम में हुआ और उसके बाद आपको पता चला कि 19 लाख लोग सिटीजन नहीं है, लिस्ट में नहीं आया, पर उसमें मेजॉरिटी तो हिंदू थे, क्योंकि NRC कोई एंटी मुस्लिम एक्टिविटी नहीं है। NRC पर जब इनके साथ कपल हो जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट के आए, तो बहुत ज़्यादा ही उसके डिफ़िकल्टी हो जाता है, क्योंकि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं मुसलमान के अलावा जो बाकी लोग हैं उनके लिए एक बेनिफिट, एक पॉजिटिव लेजिस्लेशन के थ्रू CA में मिल जाएगा, पर अगर मुसलमान अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता है कि वो सिटीजन है, चाहे कोई भी रीज़न से, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास बाढ़ आ गया, वो गरीब था, जो भी रीज़न है उसके कारण नहीं कर पाता है, तो उसके लिए ये प्रोटेक्शन भी नहीं रहेगा। तो इस कॉम्बिनेशन के अगर आप देखेंगे तो दिस कॉम्बिनेशन इज़ परफेक्ट। NRC और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की जो कॉम्बिनेशन है, इट्स लीथल, इट्स वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। तो ये एक सबसे पहली बात। पर इस बार इन्होंने ये किया कि NRC हम NRC के तौर पे नहीं करेंगे, बल्कि NPR से शुरू करेंगे, जैसे कि पहले उन्होंने एक्ट के और रूल्स के अंदर लिखा हुआ था। तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी कहा हमारा होम मिनिस्टर ने कि 2024 से पहले हम जो है इसको लेके आएंगे, NRC करेंगे ही करेंगे, और उसी के अंदर जो है NPR अभी 2020 अप्रैल को लेके आने वाला है। पहले भी NPR हो चुका है, तो अभी क्यों आप NPR को लेकर टेंशन है? एक दो डिफरेंस है। एक जो है, उस टाइम NPR जब था ऐसा कोई थ्रेट नहीं था कि आपको NRC करेगा। दूसरी बात, ये थ्रेट नहीं था कि आपको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को बाहर निकाल देगा, या फिर अगर घुसपैठिया पाया जाता है, घुसपैठिया उन लोग हैं जिन लोग ये नहीं प्रूव कर पाता है कि वो सिटीजन है, तो उसको नेगेटिव में समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि पॉजिटिव में प्रूव करेगा कि कोई घुसपैठिया है, ये नहीं प्रूव करेगा कि आपने बांग्लादेश से कूदते हुए इधर आया कि आपने वीडियो लगा के, ये है कि अगर आप नहीं प्रूव कर पा रहे हो कि आपकी बर्थ सर्टिफिकेट या जो जो भी चीज़ है कि आप यहाँ का सिटीजन हो, अगर डाउटफुल सिटीजन में आता है, तो आप नहीं प्रूव करने की वजह से आप उसमें जाते हैं, तो इट इज़ बाई एक्सक्लूजन, इट इज़ द अदर वे अराउंड। तो वैसे लोगों को NRC के तौर पर नहीं, उन्होंने इस बार कहा कि NPR के जो फर्स्ट स्टेप है उस पर करेंगे। इसमें भी हर तरीके के कम्युनिकेशन में डाउट क्रिएट करने की कोशिश किया गया। पहले गृहमंत्री ने बोला कि हम करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई, उसके बाद गृहमंत्री ने कहा NPR और NRC के बीच में कोई लिंक नहीं, उसके बाद यूनियन लॉ मिनिस्टर ने कहा कि जो NPR के डेटा है वो शायद NRC के लिए यूज़ हो सकता है, मे और मे नॉट बी यूज़ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इससे मेरे लिए तो बहुत क्लियर है, NPR मतलब NRC ही है, NRC का यूज़ करने के लिए है। 2010 से इसलिए डिफरेंट है, एक तो इंटेंशन, दूसरी जो है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों के कारण जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्टेक्स्ट जो लेके आया है, इट अलाउस, सबसे बड़ी बात है, एक पॉलिटिकली कन्वीनियंट NRC करने के लिए कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है, ये अब इस कॉम्बिनेशन में आप डिसाइड कर सकते हैं। तो एक पॉलिटिकली कन्वीनियंट NRC करने के लिए ये इनेबल करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में NPR बिकम्स वेरी वेरी, NPR इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेंसस, क्योंकि सेंसस जो है सेंसस एक्ट के अंदर किया जाता है हर 10 साल पर, और सेंसस एक्ट जो है आपको कॉन्फिडेंशियलिटी देता है, आपको प्राइवेसी देता है आपका डेटा का, आप वो उसको हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, इंडिविजुअल डेटा को सिर्फ अग्रीगेट को यूज़ कर सकते हैं। पर जो NPR जो है वो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर करते हैं, जिससे आपका सिटीजनशिप नागरिकता प्रूव करते हैं, और उसके अंदर जब आप करते हैं
तो वो डेटा पूरा पब्लिक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए आपका डेटा डाल के आप डाल सकता है कहीं पे और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ले सकते हैं दूसरे नागरिक से कि आप नागरिक है या नहीं और उसके बेसिस पे आप डाउटफुल सिटीजन है या नहीं ये हो सकता है। एक पूरी एनआरसी के प्रोसीजर उससे शुरू होगी। एनपीआर की एक्सरसाइज तो एक साल में कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जिन जिन को डाउटफुल मानना है सरकार को वो अगला 5-10 साल जब जब करना है वो कराया जा सकता है। ये पॉलिटिकली कन्वीनियंट जब जब कन्वीनियंट टाइम मिलता है ये सारे हिसाब से जब करना है नहीं करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कर सकता है। एक बात जो है कई सारे स्टेट्स ने ये कहा है कि वो एनआरसी के खिलाफ है, बहुत साफ तौर पर आश्वासन दिया है, पर उन्होंने उनमें से सिर्फ दो ही स्टेट ने ये कहा है कि वो एनपीआर को स्टॉप करेंगे, वो है वेस्ट बंगाल और केरला। बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने एनपीआर पे अपना व्यक्त नहीं किया है। उनसे सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले कि वो एनपीआर को प्रोसेस इमिडिएटली स्टॉप करें, क्योंकि आप एक बार एनपीआर कर लेंगे और डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को आप दे दें उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की कोई रोल ही नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, लोकल रजिस्ट्रार, जिसको जो अपॉइंट करना है वो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ही एम्प्लॉय को कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। जिसको जिसको डाउटफुल यू सिटीजन मानना है नहीं मानना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप तय कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल ही खत्म है उसके बाद। तो इसीलिए एक ही मौका है, अगर आप कह रहे हो और लोगों को आप आंख से आंख मिला के हाथ से हाथ मिला के बोल रहे हो कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम एनआरसी नहीं होने देंगे, अगर उसमें कोई सच्चाई है तो इतना ही विनती है कि आप एनपीआर ना होने दें। और इस बार की एनपीआर में उन्होंने पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारे डिटेल्स भी उन्होंने ऐड किया है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा कि क्यों ऐड किया है, 6 एडिशनल कॉलम्स जो ऐड किया है वो क्यों है। बाकी अगर एनपीआर हम इमीडिएटली रोक दें और बाकी का जो प्रोसेस है वो तो सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की तो चैलेंज हो रही है, तो आई एम श्योर कि वहाँ पर हम उस पर एक जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। एनआरसी जो है मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ गरीबों के लिए ही है, क्योंकि उन्हीं के साथ टेंशन होगी कि वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएगा और किसी को नहीं, तो वो चीज़ हम सबको समझना है। और सब गरीबों के लिए मुसीबत की बात है, पर गरीब मुसलमान के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत की बात है, क्योंकि उनके लिए तो सीधा मतलब अगर वो नहीं प्रूव कर पाता है कि नागरिक है तो उसके लिए तो ये टेंशन की बात है। हम लोग 4-5 महीने अगर हाथ ना इस्तेमाल करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस हाथ का काम क्या है, तो वेस्ट हो जाते हैं। तो हमारी जो लोकतांत्रिक अधिकार भी है वो भी ऐसे ही है, अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करेंगे उसको तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि ऐसे कोई अधिकार भी था। ऐसे क्यों हो रहा है कि अभी पीसफुल असेंबली भी नहीं अलाउ कर रहे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उनको ये कर दिया था कि ये गलत है, प्रोटेस्ट करना कोई गलत चीज़ है। अरे ये देश बना प्रोटेस्ट से, इमरजेंसी रोकी गई प्रोटेस्ट से, इतना अच्छे अच्छे एक्ट कानून इधर आया गया प्रोटेस्ट से, हम इसको इतना नेगेटिव पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, हर जगह वायलेंस और रिप्रेशन हो रहे हैं पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि हम दबाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं ऐसे कैसे, हमें डर है। अरे नहीं, जनता, देश की जनता वो मतलब हजारों प्रोटेस्ट हुए एनआरसी सीएए को लेकर, उसमें भी 2-3 दिखाएंगे और बोलेंगे उसके कारण हुआ, 2-3 दिखा के बोलेंगे कि हिंसक हो रहा है। हिंसक तो मतलब हजार में से 200 जगह तो पुलिस ने मतलब हेवी हैंडेडनेस दिखाया, तो हिंसक तो किसको बुलाएंगे आप। ये हमें थोड़ा सा सीखना भी है, पर जनता भी ये कह रहा है कि हमें कोई टेंशन नहीं है, आपको जो करना है करें, हमें जो करना है हम करेंगे। ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा बैलेंस वापस पहुंचना पड़ेगा, अभी जो बैलेंस है थोड़ा स्टेट की हेवी हैंडेडनेस की तरफ है, वो थोड़ा सा पुश करके एक बैलेंस रीएस्टैब्लिश करना पड़ेगा, जहाँ पे जो डेमोक्रेटिक स्पेस है एक्सप्रेस करने का, अपना ग्रीवेंस रखने का, अपना आवाज़ उठाने का, वो वापस इस डेमोक्रेसी को ढूंढना होगा, वहाँ तक पहुँचना होगा। एक्ट तो बन गया, एक्ट तो है और एनआरसी है और प्रोसीजर तो है, अभी तक हम उसको, हम बहुत सारे चीज़ इस देश में टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चाहे हमारे संविधान हो चाहे हमारी नागरिकता हो, हमें लगता है कि ये सब कैसे हो? जब इस पे सवाल उठते हैं तभी हमें लगता है भाई जिस चीज़ को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है उसके लिए भी लड़ने की ज़रूरत थी। तो अभी ये चीज़ क्लियर हो रहा है, जिस संविधान को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया उसके लिए हमें लड़ने की ज़रूरत। हम ये बोलते थे वो संविधान तो है पर वो सब्सटेंटिवली नहीं है, पर वो इवन फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन को लिए भी अभी लड़ने की ज़रूरत पड़ रही है। नागरिकता तो थी पर नागरिकता की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जो ऑल ओवर सोशल इकोनॉमिक राइट्स जस्टिस, वो नहीं हो रहा था, पर जो अभी जो है हम लड़ाई बेसिक नागरिकता पर ही आ गए, तो अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उसको उतना टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, और वो भी थ्रेटन पे हो सकता है और उसके लिए भी लड़ना पड़ सकता है। ये सब आना
एक डेमोक्रेसी में अच्छी बात है। और आप सबसे ब्यूटीफुल, सबसे अच्छी चीज़ें देखेंगे, जो यूथ सिर्फ लगता था कि हैशटैग ट्रेंड करे, कुछ ट्विटर पे लिखे, कुछ इंस्टाग्राम में बनाए, कुछ मीम बनाए, उन लोग बाहर आ रहे हैं और जो लोकतंत्र का, जो आज़ादी का सांस ले रहे हैं, वो यू नो, वो उनको पता है कि अभी ये भी डेमोक्रेसी का पार्ट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और वो जो है आगे की जनरेशन है, उनको पता है कि डेमोक्रेसी है क्या, तो कुछ गलत होगा तो उनको करना क्या है। थैंक यू।